दोस्तों, किसी राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष उस देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। उसी व्यक्ति के हाथों में उस देश की पूरी कमान होती है। भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल होता है, वहीं अमेरिका जैसे देश में सारी ताकत वहां के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ऐसे में इन राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी होती है और सभी देश अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा अपने अपने तरीके से करते हैं। आज मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों और राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहता है और व्हाइट हाउस को इस दुनिया का सबसे सुरक्षित घर भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में 1300 सीक्रेट सर्विस के एजेंट तैनात रहते हैं और साथ ही इस घर के ऊपर का वायु क्षेत्र प्रतिबंधित है, और अगर कोई इस घर के ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसको अमेरिकी वायुसेना मार गिराती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लेन को दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन भी माना जाता है। जब यह प्लेन हवा में उड़ता है तो उसका रास्ता खाली कराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन इस जहाज के आगे आगे उड़ान भरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी बीस्ट कार में ही सफर करते हैं। इस कार की बॉडी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सेरामिक से बनी होती है और इसके दरवाजे का वजन बोइंग 747 विमान के कैबिन डोर के बराबर होता है। इस आर्म्ड कार का फ्लोर इतना मजबूत होता है कि इसके नीचे बम भी फटे तो कार का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस कार के शीशे 5 इंच मोटे बुलेट प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं, इसे मशीन गन भी छेद नहीं सकती। नंबर 4, किम जोंग उन। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और इनकी सिक्योरिटी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। किम की सुरक्षा इनके 15,000 पर्सनल बॉडीगार्ड्स दिन रात करते हैं। किम जोंग उन को 3 श्रेणियों में सुरक्षा दी जाती है। नंबर 3, शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के इतिहास के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। शिंजो आबे ने अपने देश में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ये जब कहीं निकलते हैं तो इनके साथ हाईटेक आर्म्ड कारों का एक पूरा काफिला निकलता है। इन कारों में इनके वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए खास ट्रेनिंग दी गई होती है। नंबर 2, क्वीन एलिजाबेथ 2। ब्रिटेन सरकार अपने प्रधानमंत्री से ज्यादा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की सुरक्षा पर पैसा खर्च करती है, और यह खर्चा हो भी क्यों ना, आखिर वो महारानी जो है जिन्होंने एक समय विश्व के अधिकांश देशों पर शासन किया था, इनको कई बार मारने की भी कोशिश की गई। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए फुट गार्ड्स और हॉर्स गार्ड्स सैकड़ों घंटे तैनात रहते हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी भारत। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 1000 से भी अधिक कमांडो तरह तरह के घेरों में तैयार रहते हैं, जो पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 कार में सफर करते हैं। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। मोदी की सुरक्षा कर रहे SPG के कमांडो के पास एक खास राइफल होती है जिससे 1 मिनट में 800 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इन कमांडो के पास गुप्त हथियार भी होता है। इन SPG कमांडोज के पास एक खास तरह का ब्रीफकेस होता है जो जरूरत पड़ने पर खुलकर एक बुलेट प्रूफ शील्ड में बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको इन राजनेताओं में किस राजनेता की सुरक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। और दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ जो हमारी वीडियोस को रोजाना देखते हैं और लगातार कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले हैं अभिषेक भाटी और दूसरे चंदन यादव। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर जो नए दर्शक आए हैं हमारे चैनल पर, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।